जरा इस आसमान को ध्यान से देखो, ये रात का वो नजारा है जो हमें आजकल दिखाई देता है, और ये है आज से 18 साल पहले वाला आसमान जो रात में दिखाई देता था, और ये है रात का वो नजारा जो आपको 2050 में दिखाई देगा। अब आप सोचोगे कि गौरव भाई हो क्या रहा है, ये आसमान समय के साथ साथ इतना ब्राइट कैसे होता जा रहा है? तो इसके पीछे रीजन है लाइट पॉल्यूशन। आपने इस चैनल पर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन तो सुना होगा, लेकिन आज हम जानने वाले हैं कुछ नया। ये जो नजारा आप देख रहे हो ना, ये है लाइट पॉल्यूशन, और इसकी वजह से अर्थ का स्काई हर साल 10% ब्राइटर होता जा रहा है। अब आप बोलोगे गौरव भाई ये तो अच्छी बात है ना, रात में हमको स्ट्रीट लाइट या बल्ब जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इसी तरह से आसमान धीरे धीरे ब्राइट होता गया। तो भैया अगर ये लाइट पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ा और रात में अंधेरा होना बंद हो गया तो प्रकृति का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा, लेकिन प्रकृति के संतुलन के साथ साथ आपका भी संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि इसी ब्राइट स्काई की वजह से होगा इंसानों में कैंसर। ये कैसे होगा इसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी इतना जान लो कि भैया अंधेरा जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्यों रात के समय हमारे आसमान में से तारे और मिल्की वे गायब होते जा रहे हैं। साथ ही हम जानेंगे कि आखिर क्या है ये लाइट पॉल्यूशन, और मैं आपको बताऊंगा 1994 में घटा हुआ एक ऐसा किस्सा जिसे जानकर आप खुद बोलोगे कि यार कितने बेवकूफ लोग हैं। और साथ ही बताऊंगा मैं आपको 1994 में हुई एक ऐसी घटना जिसे सुनने के बाद आप खुद बोलोगे कि यार क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है। तो जल्दी से अपने रूम की सारी लाइट्स बंद कर दो और अंधेरे में बैठ जाओ, क्योंकि शुरू होने वाला है आज का तगड़ा वीडियो। ईयर 1994, रात को 4:30 बजे लॉस एंजलस में एक भयानक भूकंप आया, जिसकी वजह से पूरे लॉस एंजलस की लाइट चली गई। लोग घरों से बाहर आ गए और बाहर आकर उन्होंने देखा एक अजीब सा नजारा। उन्होंने आसमान में सितारे देखे, प्लैनेट्स देखे, मून देखा, साथ ही उन्होंने देखा मैजिकल आर्म ऑफ मिल्की वे। ये नजारा वाकई में बहुत खूबसूरत था और लॉस एंजलस के लोगों ने ये शायद पहली बार देखा था। और ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि पूरा लॉस एंजलस बिजली जाने की वजह से अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन ये सारी चीजें देखने के बाद लोग खुश नहीं हुए बल्कि डर गए। लोगों ने 911 पे कॉल लगाना शुरू कर दिया। वो घबरा गए कि शायद एलियंस का इस धरती पर हमला हो गया है, क्योंकि उन्हें आसमान में जो दिख रहा था वो उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि लॉस एंजलस में बिजली जाना कोई आम घटना नहीं थी। अब आप सोचिए आज से 30 साल पहले मतलब 1994 में लोगों के ये हाल थे कि वो अंधेरे में आसमान में मिल्की वे या फिर सितारों को देखकर घबरा जाते थे। तो आज जब लाइट पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है तो लोगों की क्या हालत होती होगी। शायद उन लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी भी साफ आसमान देखा ही नहीं होगा, उन्हें पता ही नहीं होगा कि रात के समय आसमान में सितारे भी दिखाई देते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि गौरव भाई लाइट पॉल्यूशन की वजह से ये सब कैसे पॉसिबल होता है। तो चलिए समझते हैं आखिर क्या है ये लाइट पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन इज द यूज ऑफ एक्सेसिव इन अप्रोप्रिएट एंड अनवांटेड आर्टिफिशियल लाइट। मतलब रात के समय आर्टिफिशियल लाइट का बहुत ज्यादा बिना किसी मतलब के यूज करने से जो लाइट पॉल्यूशन होता है, जो नेचुरल ब्राइटनेस खत्म होती है, उसे कहा जाता है लाइट पॉल्यूशन। ये जो एक्सेसिव लाइट होती है ये रात के समय आसमान की डार्कनेस को खत्म कर देती है। अब आप बोलोगे गौरव भाई क्या यार इतनी छोटी सी चीज के लिए तुमने एक पूरा वीडियो बना दिया, मतलब ये भी कोई टॉपिक है लाइट पॉल्यूशन? ऐसे तो कल को 100 लोग साथ पाथ देंगे तो तुम वीडियो बना दोगे पाथ पॉल्यूशन। ये तो थी मजाक की बात, बहुत से लोगों को शायद ये मजाक पसंद भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको वाकई में लगता है कि लाइट पॉल्यूशन कोई हल्की सी चीज है जिसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना आपके जीवन पर, ना प्रकृति पर और ना ही जानवरों पर, तो वीडियो के आगे वाले पार्ट को जरा ध्यान से सुनना। जब इस दुनिया में बिजली का आविष्कार हुआ था तब शायद ये दुनिया का सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा जरूरी आविष्कार हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया ने इस चीज को इस तरह से अपनाया कि आज 85% लोग लाइट पॉल्यूटेड स्काई के नीचे रहते हैं, और आने वाले 100 सालों में ये चीज इतनी ज्यादा विकराल रूप ले लेगी कि आपको अपने आसमान में अंधेरा या सितारे दिखाई नहीं देंगे, आपको रात के समय भी दिखाई देगा एक चमकता हुआ और ब्राइट आसमान। ये सितारे, ये मिल्की वे,
प्लैनेट्स, आसमान में दिखने वाले टूटते तारे आपको केवल दादी नानी की कहानियों में ही सुनने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको ये सब भी ठीक लग रहा है तो लाइट पोल्यूशन की वजह से आपको स्लीप डिसऑर्डर, मेंटल प्रॉब्लम्स और साथ ही साथ कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स होने का भी खतरा है। अब स्लीप डिसऑर्डर और मेंटल प्रॉब्लम तो समझ में आती है, लेकिन ये समझ में शायद आपको नहीं आ रहा होगा कि अंधेरे या रोशनी की वजह से इंसानों को कैंसर कैसे हो जाएगा। तो देखो, हमारे शरीर में जो मेलाटोनिन होता है ना, वो रात के समय और अंधेरे में ही बनता है। लेकिन अगर आप हर समय आर्टिफिशियल लाइट में रहते हो या फिर आपका जो आसमान है वो लाइट पॉल्यूटेड है, मतलब उसमें अंधेरा ही नहीं होता, तो फिर आपके शरीर में रात के समय और सोते समय दोनों टाइम मेलाटोनिन बनेगा ही नहीं। और इसकी कमी से औरतों को ब्रेस्ट कैंसर और मर्दों को कुछ खास जगहों पर कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, अभी मैं आपको लाइट पोल्यूशन के और भी ज्यादा खतरे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ जिसका नाम है बॉटल स्केल। और ये जो स्केल है ना, ये स्काई में ब्राइटनेस के लेवल को मेजर करने के काम आता है। इसमें 9 स्टेप होती है, जहां पर पहली स्टेप जो होती है वो सबसे बढ़िया होती है और 8th और 9th जो स्टेप होती है ना, वो सबसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन होती है। तो इस स्केल के मुताबिक जब आप रात में आसमान को देखते हो और आपको एक बार में 5000 तारे हैं, तब आपका जो स्काई है वो आता है स्केल के स्टेप 1 पे। लेकिन अगर आपको दिखाई देते हैं केवल 3 या 4 तारे, तो इसका मतलब समझ जाओ कि आपके सिर के ऊपर जो आसमान है ना, उसकी जो रेटिंग है वो है 8 या 9, जो है हाईली लाइट पॉल्यूटेड स्काई। तो ये बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि अब आपका काम शुरू होता है, आपको अब रात में अपने आसमान को देखना है। और कल मुझे कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो पर कि आप जिस आसमान के नीचे रहते हो उसमें आपको कितने सितारे दिखाई दिए। और अगर आपको आसमान में 2 या 3 तारे दिखाई दे रहे हैं तो समझ जा भैया ये बड़ी चिंता की बात है। चलिए लाइट पोल्यूशन के कुछ और नुकसान जानते हैं। जो जानवर होते हैं उनकी बायो क्लॉक जो होती है वो नेचुरली दिन या रात पर डिपेंड करती है। लेकिन जब रात में अंधेरा ही नहीं होगा तो जानवरों को पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि भैया अब रात हो गई है, हमें रात वाले काम करने चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कछुए के बच्चे जो एक साथ बहुत सारे पैदा होते हैं, उन्हें रात के समय अपने अंडों से निकलकर समुद्र के अंदर जाना होता है शिकारियों से बचकर। लेकिन जब आसमान में इतनी रोशनी होगी तो वो वहां तक जा ही नहीं पाएंगे, या तो वो शिकारियों के शिकार हो जाएंगे या फिर उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि रात हुई भी है या नहीं। और इस तरह से केवल एक छोटे से लाइट पोल्यूशन की वजह से हजारों कछुए एक साथ मारे जाते हैं। बहुत सारे पक्षी जो माइग्रेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लाइट पोल्यूशन की वजह से वो रास्ता भटक जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अकेले जर्मनी में एक सीजन के अंदर लाइट पोल्यूशन की वजह से 100 अरब कीड़े मरे थे। और कीड़े या इंसेक्ट्स, इनकी वैल्यू तो आपको मालूम ही होगी। इन्हीं कीड़ों की वजह से परागण मतलब पोलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है, सब्जियां उगती हैं, फल फूल उगते हैं। तो अगर ये इंसेक्ट्स ही मर जाएंगे लाइट पोल्यूशन की वजह से, तो फिर भैया इस धरती पर अकाल पड़ जाएगा। ना खेती बाड़ी हो पाएगी, ना कोई फल उगेगा, ना ही कोई सब्जी उगेगी। पूरी धरती का इकोलॉजिकल सर्वाइवल फंक्शन खतरे में आ जाएगा। अब अगर आपको इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी लग रहा है कि लाइट पोल्यूशन कोई छोटी मोटी चीज है, तो आपको 21 तोपों की सलामी। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है कि लाइट पोल्यूशन की वजह से ना सिर्फ हम केवल अपने आसमान से मिल्की वे को नहीं देख पाएंगे, साथ ही साथ हमारी पूरी मानव जाति का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा, तो आपके मन में ये सवाल जरूर जागना चाहिए कि भैया ये लाइट पोल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं। तो आप रोक सकते हैं अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी को बंद करके, मतलब जो अननेसेसरी लाइट्स हैं उनको जब भी आप यूज ना कर रहे हो उनको आप बंद कर दें। बहुत सिंपल है, इससे आपका बिजली का बिल भी बचेगा और साथ ही साथ आपका प्लेनेट भी बच जाएगा। और हाँ, कोशिश करें रात के समय आर्टिफिशियल लाइट में कम से कम रहें, इससे आप भी कैंसर होने से बच जाओगे। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और मुझे लगा था कि आपको इस टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, और हाँ अगर ज्यादा ही अच्छा लग गया तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे स्काई में आए हो तो भैया इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में। और हाँ, लाइट अगर बंद कर रखी तो जला लो भाई, इतनी टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है।